दिल्ली के राजघाट से शुरू हुई जय जगत 2020 यात्रा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होते हुए कल सोमवार को दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के मुरैना में आ गई है। राजस्थान के धौलपुर से मुरैना के बीच चंबल पर बने पुराने पुल पर जय जगत के साथियों ने कदम रखा तो विश्व शांति के नारों से चंबल गूंज उठा। जय जगत यात्रा के चंबल संभाग के संयोजक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश यादव ने यात्रा में पूरे समय शामिल सभी 50 साथियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुरैना और चंबल संभाग के ग्रामीण, कई वरिष्ठ नेता, आंदोलनकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए। मुरैना शहर की सीताराम पतिराम धर्मशाला में आयोजित एक स्वागत सभा में जय जगत 2020 के नेतृत्वकर्ता और एकता परिषद के संस्थापक राजगोपाल पीवी ने कहा कि आज पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से हिंसा के कई रूप दिखाई दे रहे हैं। यदि समाज और पर्यावरण को बचाना है तो हमें अहिंसा की राह अपनानी होगी, तभी दुनिया में शांति आएगी। चंबल में 70 के दशक में बागियों ने बंदूक छोड़कर अहिंसा की राह अपनाई थी, जो कि पूरी दुनिया में मिसाल है। गांधी जी ने अहिंसा की राह दिखाई थी, उसी रास्ते पर चलकर मानव कल्याण किया जा सकता है। इस यात्रा से पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, जो दुनिया में शांति और न्याय आधारित समाज चाहते हैं।